Assalamu alaikum. Welcome back. In this video, we will be talking about some simplification questions that are also considered as expansions when we talk about surds. So, what kind of questions they are? Let's take a look at that. They call it expand and simplify. The questions name like that, and the questions are like I write root 2 and then I have this root 3 plus five. अब अगर ऐसा हो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमारे पास अलजेब्रा में क्वेश्चंस आते थे और हमारे पास लिखा होता था कि 2 मल्टीप्लाई करें x प्लस 3 से. अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो हमारे पास क्या स्टेप्स होते थे उसको सॉल्व करने के? हम क्या करते थे, हम पहली टर्म को पहले से, मतलब ये जो हमारी बार वाली टर्म है, इसको दोनों दफ़ा यानी दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करते थे विद देयर रिस्पेक्टिव साइंस. जैसे 2 एक्स से मल्टीप्लाई होता था 2 एक्स बन जाता था और 2 3 से मल्टीप्लाई होके 6 बन जाता था. सो सिमिलर अप्रोच हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे बेटा इन एक्सपेंशन और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में. जैसे रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर रूट 3 से, तो आपको पता है कि रूट 2 मल्टीप्लाई विद रूट 3 क्या आंसर आता है, वो खैर हम अभी सिंप्लीफाई करेंगे तो देख लेंगे. तो फर्स्ट ये होगा और फिर हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे विद 5. सो रूट 2 रूट 3 से जब मल्टीप्लाई हो रहा है बेटे, तो मल्टीप्लिकेशन के रूल्स याद हैं आपको कि क्या होना चाहिए. सिंगल रूट में आप इसको रखेंगे और 2 और 3 मल्टीप्लाई कर देंगे. एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई नॉन सर्ड टर्म विद द सर्ड टर्म, तो हम इसको सिंपली 5 को पहले लिख देते हैं और रूट 2 बाद में लिख देते हैं. ठीक है, सो हमारे पास आंसर आएगा रूट 6 प्लस 5 रूट 2. ठीक, इसी तरीके से बेटा हमारे पास अगर ऐसी टर्म्स हों जैसे कि दो ब्रैकेट्स बने में हों, जैसे 2 प्लस रूट 3 और ये मल्टीप्लाई हो रहा हो 1 प्लस रूट 3 से, तो इसके स्टेप्स क्या थे? एग्जैक्टली आपको याद होना चाहिए कि हमारे पास अगर 1 प्लस 2x हो और उसे मल्टीप्लाई करना हो 3 माइनस 4y से, क्या करते थे हम एक एक करके पहले इसको, इस नंबर को दोनों से मल्टीप्लाई कराते थे, फिर दूसरे को कंसीडर करते थे, फिर इसको दोनों से मल्टीप्लाई करते थे अलॉन्ग विद इट साइन. सो दैट गोज सेम फॉर दिस, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है बेटा. बट वाइल वी आर मल्टीप्लाइंग और एडिशन सब्ट्रैक्शन जब हम कर रहे होते हैं, वी हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ द सर्ड्स एंड नथिंग एल्स. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, फर्स्ट वी विल कंसीडर 2 एंड वी विल मल्टीप्लाई 2 विद दिस होल ब्रैकेट, एंड देन वी विल कंसीडर रूट 3 एंड मल्टीप्लाई इट विद दिस सेकेंड ब्रैकेट. नाउ 2 मल्टीप्लाई विद 1 इज 2 एंड 2 मल्टीप्लाई विद रूट 3 इज 2 रूट 3. Now root 3 multiplied with 1 is root 3 and root 3 multiplied with root 3 is, अब आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि root 3 से मल्टीप्लाई होगा तो root 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और जब स्क्वायर होगा तो रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा. नाउ 2 हमारे पास ऐसे ही है, यहाँ पर 2 root 3 और root 3 दोनों का सर्ड सेम है, इसको ऐड करके हम क्या बना देंगे, 3 root 3. एंड नाउ वी हैव प्लस रूट 3 का स्क्वायर, सिर्फ 3 रह गया था. अब 2 और 3, दीज आर सिंपल नंबर्स, दे कैन बी एडेड. तो 5 प्लस 3 रूट 3 इज़ द सिंप्लीफाइड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. उम्मीद है समझ आया है बेटा आप लोगों को. इसके बाद हमारे पास इसी एक्सपेंशन में एक और क्वेश्चन भी होता है, यानी अगर मैं इन्हीं को कहूँ कि अब इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएगा, देन यू कैन यूज़ आइदर वन ऑफ द अप्रोचेज. अगर 1 प्लस रूट 5 का स्क्वायर करना है
ठीक है, तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर हमारे पास दो अप्रोचेज यूज़ हो सकती हैं। आइदर आई कैन यूज़ द सिमिलर एक्सपेंशन टेक्निक। अब वो एक्सपेंशन टेक्निक क्या होगी इसमें, जो अभी हमने यूज़ की बेटा, और आप इसमें आइडेंटिटी यानी कि फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब फॉर्मूला क्या हो सकता है इसके अंदर, जब तो मैं अभी बताता हूँ बेटा। एक्सपेंशन टेक्निक तो सिंपल सी यही है कि हम 1+√5, अब स्क्वायर करना है, इसका मतलब 1+√5 को 1+√5 से ही मल्टीप्लाई कर दें, और सिमिलर अप्रोच जो हमने अभी पिछले पार्ट में यूज़ की उसके थ्रू हम इसको सॉल्व कर लें। जैसे हमने 1 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर √5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, चलें कर लेते हैं जल्दी से। तो 1 1 ज़ार 1 प्लस 1√5 ज़ार √5, देन √5 1 ज़ार √5, एंड √5 √5 ज़ार √5 स्क्वायर विच कैन बी कैंसल्ड। तो हमारे पास ये आ जाएगा 1+√5, और √5 यहाँ पर ऐड हो रहे हैं बेटा, तो 2√5 आ जाएगा, और फिर प्लस √5 का जो स्क्वायर है ये कैंसिल हुआ था, तो 5 बचा था। तो 5+1 इज 6+2√5 इज़ द सिंप्लीफाइड आंसर। बट अब आइडेंटिटी जो यूज़ होगी, हमारे पास आंसर दोनों से सेम आना चाहिए। अब आइडेंटिटी इसमें जो यूज़ होती है ना बेटा, ऐसे क्वेश्चन में जिसमें होल स्क्वायर हो, उसमें होती है ए प्लस या माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर प्लस होगा तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab+b² आएगा बेटे, और अगर माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा सिर्फ 2ab के साथ, बाकी सब सेम रहेगा। सो दिस आइडेंटिटी इज़ अप्लाइड। अब वो कैसे अप्लाई होती है बेटा? फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड, जैसे 1+√5 का होल स्क्वायर है, तो इसकी जो पहली टर्म होती है ना अंदर ब्रैकेट के, इसको ए काउंट करते हैं, और ब्रैकेट के अंदर वाली दूसरी टर्म को बी काउंट करते हैं। अब ए प्लस बी दरमियान में प्लस है, तो प्लस वाला फार्मूला लगेगा। नोट कर लें यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, ठीक है ना? सो प्लस वाला फार्मूला हमारे पास जो है वो ए स्क्वायर प्लस 2ab+b² के बराबर है। हमने क्या किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर देख लिया। अब हम इसमें अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab+b². सो क्या है ए बेटा इसमें? हमने पहले बात की थी कि ए हमारे पास 1 है, ठीक है, मेंशन कर लो, इजीली हो जाता है कि ए 1 है और बी क्या है, √5। अब इसको इम्प्लीमेंट करें, पहली टर्म है ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, फिर दूसरी टर्म क्या होनी चाहिए, 2, और फिर ए और बी, ए क्या था 1 और बी क्या था √5, इसको मल्टीप्लाई कर, और फिर बी का स्क्वायर क्या है, √5 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर तो 1 आ गया, फिर 2 1 ज़ार 2, और √5 से मल्टीप्लाई होकर 2√5 बन गया, प्लस √5 का स्क्वायर होगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा, एंड 5+1 ये दोनों ऐड हो सकते हैं, तो 6+2√5। अब आप देख सकते हैं बेटा इसमें कि हमने जो दोनों मेथड्स यूज़ किए, दोनों से हमारे पास सेम आंसर आया, 6+2√5, 6+2√5। तो ये अब आपके पास अपनी चॉइस होती है कि विच मेथड आप ऑप्ट करें, ये आपके ऊपर है। अच्छा बेटा, अब इसी सिलसिले में एक क्वेश्चन आते हैं जिनको पहचानना होता है, जिनमें आप एक्सपेंशन अप्लाई करोगे तो आप अपने स्टेप्स को लेंदी कर दोगे। वहाँ पर आपको एक आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी होती है, जिसको आप अगर करेंगे तो इट मींस कि आप के सेंसेस शार्प हैं, आप इसको जो है ना वो ऑब्ज़र्व किया है आपने सही तरीके से क्वेश्चंस को। सो अब वो कौन से क्वेश्चंस हैं और उसकी आइडेंटिटी क्या है, वो किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ज़रा जल्दी से देख लो। वो क्वेश्चन इस टाइप के होंगे, लेट सपोज वी हैव 2+√3। अगर 2+√3 2-√3 से मल्टीप्लाई हो, दोबारा से समझ लो बेटा क्या कह रहा हूँ। अगर जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर √3 है, यहाँ पर √3 है, सिर्फ डिफरेंस किस चीज़ का है यहाँ पे बेटे, दरमियान में इधर प्लस है और इधर माइनस है। ये बिल्कुल वो कंडीशन हो जाएगी कि ए प्लस बी, चूँकि ए अगर 2 है तो यहाँ पर भी हमारे पास ए माइनस बी आ रहा है। जब ए प्लस बी ए माइनस बी से मल्टीप्लाई होता है, तो एक आइडेंटिटी इस्तेमाल होती है इसके लिए, दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस आपने यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट करनी, ठीक है? मैं 2+√3 कोई भी नंबर हो, जैसे दोनों सेम हो, मैंने क्या कहा कि दोनों सेम है, जैसे ये 2 है, ये 2 है, ये √3 है, ये √3 है, एक जगह प्लस लगा है, एक जगह माइनस लगा है, तो आप ये आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो
तो आप स्टेप्स का इजाफा कर देंगे, दैट इज़ अनवांटेड। तो हम क्या करना है, बस यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब पहली टर्म का स्क्वायर करो, पहली टर्म थी टू इसका स्क्वायर करो, माइनस दरमियान में लगाओ और फिर दूसरी टर्म का स्क्वायर करो विच इज़ √3। अभी अपने इनका स्क्वायर करके लिख देंगे, दैट विल बी ए सिंप्लीफाइड आंसर। तो 2 का स्क्वायर इज़ 4, माइनस √3 का स्क्वायर इज़ 3, सो 4 माइनस 3 इज़ 1। दैट्स इट, एक्सपेंशन से रिलेटेड यही चीज़ें थी। अभी फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मुलाकात होती है।